तो ये है दोस्तों मेरे पास Vivo V23 Pro लेटेस्ट स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 10 प्लस जी हाँ 10 से ज्यादा आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के फीचर्स आपको बताऊंगा। आप वो फीचर्स देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम कमाल धमाल तरीके से यूज कर सकते हैं अपने इसी स्मार्टफोन को। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। इस इंडियन फ्लैग के लिए तो सब्सक्राइब तो बनता है। और अब इसी स्मार्टफोन के सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस प्राइस सब कुछ आप देखना चाहते हैं, जिस प्राइस पर आपने लिया है, कम है ज़्यादा है, अभी कितना हुआ है, सब कुछ देखने के लिए डिटेल्स में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले आप उस पर क्लिक करके सारे डिटेल्स देख सकते हैं इसी स्मार्टफोन के। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है, आपको आना है टिक करके एग्री करना है पहली बार आए हैं तो। उसके बाद आपको टिक करके एग्री होने के बाद में यहाँ पर दिखता है आपको, यहाँ पर स्कैनिंग हो रहा है, मतलब स्कैनिंग होता है तो ये पूरा जंक फाइल वगैरह सब कुछ होते हैं ना वो डिलीट कर देता है। तो आपको ऑप्टिमाइज करना है, ऐसे ऑप्टिमाइज कर लेना है। ऑप्टिमाइज होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, बैग आकर यहाँ पर स्पेस क्लीनर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये भी जो वेस्ट डेटा होता है ना, जंक फाइल, ये सब कुछ डिलीट कर देता है आपके स्मार्टफोन को और भी स्पीड कर देता है। यहाँ पर क्लीन अप ऑल पर आपको क्लिक करना है। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले थ्री फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक चाहिए, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी लग चुका है। तीसरे फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, अब मान लो आपको दो दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है तो एक एप्लीकेशन ओपन करके अभी थ्री फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाना है। थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो आप ऊपर वाला एप्लीकेशन छोटा करना चाहें, नीचे वाला बड़ा, ये भी कर सकते हैं, नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला बड़ा, और नीचे वाला एप्लीकेशन ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। चौथे फीचर की बात करने के लिए आप मान लो दो एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल ये है, तो आपको पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, वापस से डबल क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन में आ जाते हैं। इस तरह से आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। और यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अभी ये स्टाइल इस तरह से ना मेनू का, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करके इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। पांचवें फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, आते हैं सेटिंग में, आपको आना एकदम नीचे, यहाँ पर आपको तो शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी आपको इस सेटिंग में आना है। यहां पर है दोस्तों स्मार्ट मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है। आने वाले यहां पर देख सकते हैं शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप इस तरह से दो बार फोन को हिलाएंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगी। उसके ऊपर है यहाँ पर स्मार्ट वेक, इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दो सेटिंग्स है, इसको जरूर ऑन करना। ऑन करने के बाद क्या होता है दोस्तों, इस तरह से नीचे लेकर आएंगे उंगली तो यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाता है, ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर अनलॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ, यहाँ पर आना दोस्तों इस सेटिंग में। यहाँ पर है रेस्ट टू वेक, इसको ऑन करेंगे तो आप फोन को जैसे उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर यह डबल टैप टू लाइट, इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को तो डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर है डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे ऑफ है तो इस तरह से डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो चलिए छठी फीचर की बात करते हैं, अभी सेटिंग्स में आते हैं और आपके यहाँ पर दिखता होगा इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर है दोस्तों क्विक एक्शन, यहाँ पर ये होता है टर्न ऑन ऑफ फ्लैशलाइट होता है, ये क्या है आपको मैं बताता हूँ। अब लॉक करके रखें फोन को तो वॉल्यूम मैनेज बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर फ्लैशलाइट ओपन हो जाती है, तो वापस लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑफ भी हो जाती है। इसमें आप दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं, यहाँ पर ओपन ऐप पर आपको क्लिक करना है, कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीमेल, यहाँ पर देख दें लॉक करके रखें फोन को तो भी जीमेल ओपन करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम मैनेज बटन लॉक प्रेस करेंगे तो जीमेल ओपन हो जाता है। इस तरह से आप व्हाट्सएप फेसबुक जो रखना चाहिए रख लेना। सातवें फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपको उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा एक्सेसिबिलिटी इस सेटिंग में आना है नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं डार्क थीम, यहाँ से आप देख सकते हैं डार्क मोड ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, इसलिए इसको जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों सिस्टम कंट्रोल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है पावर बटन एंड कॉल, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो कॉल काटना है
तो पावर बटन पर क्लिक करेंगे कॉल कट हो जाएगा। आंटे फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पर आपको दिखता होगा डायनामिक इफेक्ट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर मतलब ये एड लाइटिंग होता है, लाइट इफेक्ट आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर कस्टम टाइम को ऑफ करना अगर ऑन है तो नीचे आना है। इनकमिंग कॉल सेटिंग ये ऑफ होते हैं, इसको ऑन करना। ऑन करने के बाद यहाँ पर देख दें लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब आपको कॉल आने के बाद में कैसा आना चाहिए लाइट इफेक्ट, मतलब एड लाइटिंग कैसे आना चाहिए, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देख दें, यहाँ पर नोटिफिकेशन ये ऑफ रहता है, यहाँ इसको ऑन करना है। नोटिफिकेशन एप्स, मतलब आप कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर एड लाइटिंग लगना चाहिए वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मैंने इतना कर लिया, मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के बाद में कैसा आना चाहिए एड लाइटिंग वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, अप्लाई किया, तो उन एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में एयर लाइटिंग लगेगी। नाइन फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, और आपके यहाँ पर आना है दोस्तों डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख दें आई प्रोटेक्शन, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। इसकी कैपेसिटी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। या आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको ऑन करना, आपके आँख सेफ रहेंगे, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का। और नीचे आएंगे यहाँ पर दिखता होगा आपको फॉन्ट साइज, यहाँ से अपने फॉन्ट्स के साइज को आप बड़े भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं अभी फॉन्ट्स तो। और उसके अलावा आपके यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले साइज है, यहाँ से ये जो बटन्स और ये जो आइकन्स है ना सबको आप बड़े कर सकते हैं। इसको बड़ा करेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी बड़े हो गए और ये आइकन्स भी बड़े हो चुके हैं, इस तरह से कर लेना। और यहाँ पर बात करते हैं बैक आने के बाद स्टेटस बार पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं वाईफाई से हो या सिम कार्ड से, तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कितनी केबीपीएस, कितनी एमबीपीएस यहां पर ऊपर बता देगा। उसके ठीक नीचे यहां पर है बैटरी परसेंटेज, ये ऑफ है तो यहां से इसको ऑन करना है, बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी। दसवें फीचर की बात करते हैं दोस्तों, उसके लिए यहां पर हमको क्या करना है सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इस सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर है दोस्तों स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यहाँ से आप कर सकते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट को 90 हर्ट्ज तक कर सकते हैं। आप 90 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे चलता है दोस्तों, स्मूथ चलता है। और यहाँ पर आप इसको 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ तो नहीं चलेगा लेकिन बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है। आप ऑटो स्विच भी कर सकते हैं, ऑटो स्विच करेंगे तो जहाँ कितना आना चाहिए रिफ्रेश रेट वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। 11 फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपको आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको दिखता होगा सिक्योरिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। और आप ऐप लॉक रखना चाहते हैं या हाइड एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्राइवेसी ऐप, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर पिन पासवर्ड कुछ भी आप सेलेक्ट करके रख लेना। चलिए यहाँ पर मैंने कर लिया पासवर्ड सेलेक्ट। यहाँ पर ऐप लॉक रखने के लिए इस सेटिंग में क्लिक करेंगे। क्रोम को लॉक करने के लिए क्रोम को सेलेक्ट किया, अभी देख सकते हैं क्रोम को अभी लॉक हो चुका है। और उसी सेटिंग में जाकर आपको एप्लीकेशन को हाइड करना है तो सेम सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर हमको हाइड ऐप दिखता होगा, इसमें आना है। यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को हाइड करना है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएगा। तो ऐसे ये है दोस्तों इसी Vivo V23 Pro स्मार्टफोन के टॉप 10 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। इसी स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और सारे डिटेल्स, फीचर्स सब कुछ देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके सारे डिटेल्स सब कुछ देख सकते हैं।